नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। यूपी में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ी खबर जनपद अमेठी से है, जहां यूपी में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं। अब जरा अमेठी के इन पुलिस कर्मियों को देख लीजिए, बगैर मास्क बगैर हेलमेट कैसे सड़कों पर बाइक से फर्राटा भर रहे हैं। ये वही पुलिस कर्मी है जो प्रतिदिन यातायात नियमों की अनदेखी पर चालान काटते हैं। हालांकि अब एसपी ने इन पर भी नियमों की अवहेलना करने पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के क्रम में एसपी से लेकर मातहत अधिकारी और दरोगा प्रतिदिन सुबह शाम सड़कों पर दिख रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत बाइक और फोर व्हीलर से जा रहे उन लोगों का चालान भी काटा जा रहा है जिन्होंने सिर पर हेलमेट या मास्क नहीं पहन रखा है। फोर व्हीलर चालक ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो उसको भी पुलिस की कार्यवाही का शिकार होना पड़ रहा है। सवाल ये है कि राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियम केवल जनता ही के लिए नहीं बनाए हैं, उसका पालन करना केवल पब्लिक की ही जिम्मेदारी है और खाकी के लिए ये नियम कानून मायने नहीं रखते। अगर पुलिस की वर्दी पहने लोगों के लिए भी ये कानून है तो फिर गौरीगंज जिला मुख्यालय पर, जहां जिले के सभी उच्च अधिकारी बैठते हैं, उनके आवास हैं, वहां पर दूसरे चौराहे पर दरोगा से लेकर पुलिस का सिपाही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां किसके आदेश पर उड़ा रहा है। राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। हेलमेट और मास्क दोनों ही सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं और मास्क विशेष रूप से वर्तमान समय में, जबकि कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप को सभी लोग देख चुके हैं, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और अभी जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कतिपय पुलिसकर्मी भी लापरवाही कर रहे हैं, तो मैंने इस बात का निर्देश निर्गत किया है कि जो भी पुलिसकर्मी बिना मास्क या बिना हेलमेट के दिखाई पड़ेगा, विशेष रूप से मास्क जो इस समय की आवश्यकता है, उनका भी उसी तरह से चालान किया जाएगा जिस तरह जो कि नियम है। और आपके माध्यम से मैं आम जनता से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए और देश में कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप को रोकने के लिए। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।